जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है स्कार। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी और ये एक बहुत ही स्लैशर मूवी है। इस मूवी के एंड में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी की शुरुआत में हम जॉन बोरोज नाम की एक लड़की को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। जॉगिंग करते हुए उसे अपने पास्ट की कुछ हॉरिफिक चीज़ें याद आ रही थी, जहां पर एक लड़की को कोई किलर काट रहा था या फिर उसे टॉर्चर कर रहा था। और साथ में जॉन ये सारी चीज़ें देख रही थी क्योंकि उसे भी वहां पर बांध के रखा गया था। उस किलर का दिया हुआ स्कार अभी भी उसके चेहरे पर था और यही स्कार जॉन को उस खौफनाक दिन की याद दिलाती थी। फिर हमें कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाई जा रही थी जहां पर किसी गुमनाम किलर के बारे में लिखा था जो कि लोगों को टॉर्चर करके उनका मर्डर कर दिया करता था। और जॉन इकलौती ऐसी लड़की थी जो कि उस किलर से बच के जिंदा वापस आई थी। दूसरी तरफ जॉन अपने भाई जेफ को कॉल करती है। उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर था और उसका भाई उससे कहता है कि ओलंपिया तुम्हें कॉल करेगा और दोनों कुछ बातें करके फ़ोन को काट देते हैं। तभी एक कार को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता देख जेफ उस गाड़ी का पीछा करता है और उस गाड़ी में सेंड्रा और ओलंपिया नाम की दो लड़कियां थीं। जेफ उन दोनों लड़कियों को पहचानता था और इसीलिए वो उनकी गाड़ी पर कोई फाइन नहीं लगाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओलंपिया जेफ की ही बेटी है। जेफ ओलंपिया को घर जाने का बोलता है क्योंकि जॉन यानी कि उसकी आंटी उनके घर आने वाली थी। जॉन बहुत सालों के बाद में अपने होम टाउन आई हुई थी और वो अपने होम टाउन आने के बाद में सुजैन की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाती है, जिससे कि उसे कुछ सालों की बातें भी याद आती है। वो और सुजैन एक रात को एक कब्रिस्तान में स्मोक और ड्रिंक करके बातें कर रहे थे। तब जॉन और सुजैन दोनों टीनेजर थे। उनको वहाँ पर एक घर दिखता है। फिर जॉन सुजैन को उस घर पर ले जाने के लिए जिद करती है। सुजैन पहले थोड़ा मना करती है लेकिन बाद में वो भी उस घर की तरफ जाने लगती है। ये घर किसी बिशप नाम के एक आदमी था और वो दोनों घर के अंदर ही जा रही थी कि तभी वहाँ पर बिशप आ जाता है और उनको अंदर आने के लिए इन्वाइट करता है। वे दोनों बिना सोचे समझे घर के अंदर चली जाती है। जॉन को चोट आई हुई थी तो बिशप उन चोटों पर बर्फ लगाता है। फिर बिशप उन्हें चाय पिलाकर उनसे कुछ बातें करने लगता है। वो उनसे उनके घर और उनके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछता है। बिशप फिर सुजैन को किसी काम के लिए मदद करने के लिए किसी रूम में ले जाता है। सुजैन भी उसके साथ में अकेले ही रूम में चली जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जॉन को ये सब बातें याद आ रही थी। उस कब्रिस्तान में एक काम करने वाला आदमी था जिसे देखकर जॉन जल्दी से वहाँ से चली जाती है। ये कहानी फिर हमें जेफ के घर की तरफ दिखाई जाती है जहाँ पर जॉन भी आई हुई थी। उसने अपने घर इतने सालों के बाद में खाना खाते हुए जॉन जेफ और ओलंपिया एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर तभी ओलंपिया के फोन में सेंड्रा का मैसेज आता है जो कि उसे एक पार्टी के लिए बुला रही थी। रात को ओलंपिया और सेंड्रा पार्टी के लिए जाते हैं और ये पार्टी एक हाई स्कूल की लास्ट ईयर की पार्टी थी, इसीलिए वहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तभी ओलंपिया पॉल नाम के एक लड़के के साथ में बातें करने के लिए चली जाती है। ओलंपिया और पॉल एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर पॉल ओलंपिया को स्मोक करवाने के लिए थोड़ा दूर ले जाता है। उस पार्टी में दोनों स्मोक करने लगते हैं। वहां पर उनके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और उनके दो कपल फ्रेंड बीच की तरफ जाते हैं। इधर घर पे हम जेफ और जॉन को देखते हैं जो कि बातें कर रहे थे। जेफ की पत्नी मर चुकी थी लेकिन जेफ ने अभी भी अपनी पत्नी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था। जेफ अपनी बहन को देखकर बहुत खुश था और फिर जेफ जॉन को घर पर छोड़कर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। जॉन को फिर से वही सारी बातें वही टॉर्चर याद आ रहे थे। हम फिर से फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर सुजैन के बिशप के साथ एक अलग रूम जाने के बाद में जॉन वहाँ की चीज़ों को देखने लगती है। तभी वहाँ पर बिशप आ जाता है। वो जॉन के पैर में पट्टियां करते करते उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड दूसरे रूम में एंटिक सामान को देख रही है। बिशप और जॉन फिर से बातें करने लगते हैं। फिर बातें करते करते वो और जॉन एक दूसरे को किस करने वाले थे कि तभी बिशप किस नहीं करता। बिशप अचानक से क्लोरोफॉर्म लेकर जॉन को बेहोश कर देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हॉवर्ड और अप्रैल नाम के वही दोनों कपल जंगल में इंटीमेट होने के लिए जाते हैं। लेकिन इंटीमेट होने से पहले हॉवर्ड पानी में नहाने जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड अप्रैल अपने कपड़े उतारकर उसे अपने पास बुलाने लगती है। फिर हॉवर्ड उसे अपने कपड़े पहनने को कहता है। हॉवर्ड को अप्रैल इंटीमेट होने के लिए बुला रही थी क्योंकि उसे अपने हाई स्कूल के पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करनी थी। हॉवर्ड अभी भी पानी से बाहर नहीं आता और इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
हॉवर्ड अप्रैल को बुलाता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। वो अप्रैल को बुलाने के लिए उस कार के पास में जाता है लेकिन वो कार में भी नहीं थी। अब फिर अगले सुबह हम एक फिशिंग कॉम्पिटिशन को देखते हैं जहाँ पर वे सारे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए थे। वहाँ पर ओलंपिया, पॉल और सेंट्रा भी आई हुई थी लेकिन वहाँ पर उन्हें अप्रैल और हॉवर्ड दोनों नहीं दिखाई दे रहे थे। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जेफ और जॉन भी आ जाते हैं कॉम्पिटिशन को देखने के लिए। पॉल उन्हें अपने डैड से ही मिलवाता है जो कि एक ऑफिसर थे और फिर तभी प्रिंसिपल कॉम्पिटिशन का विनर अनाउंस करती है। वे सभी काफी ज्यादा खुश थे और इसके बाद में सभी हाई स्कूल के बच्चे लेक के अंदर उतर जाते हैं। वे सभी लेक के अंदर मस्ती कर रहे थे और तभी अचानक से पॉल से एक डेथ बॉडी टकरा जाती है और उसकी बॉडी पर हर जगह कटे हुए निशान लगे हुए थे। और तो और अप्रैल की बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी ही नेकेड थी। अब इस लाश को देखकर जॉन को फिर से फ्लैशबैक की बातें याद आने लगती है जहाँ पर जॉन को वो किलर बिशप ने एक बेड पर बांध कर रखा हुआ था और उस रूम में हर जगह सर्जरी का सामान भी रखा हुआ था। पास ही में सुजेन भी खून से लथपथ पड़ी हुई थी जो कि दर्द में बहुत ज्यादा तड़प रही थी। वहाँ पर बिशप फिर एक लाश को लेकर आता है और वो उस लाश के अंदर वैक्यूम क्लीनर डाल के उस लाश के अंदर का सारा मांस खींच रहा था और ये सब जॉन और सुजेन देख रही थी। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और वे ये सोच रही थी कि अब उनके साथ में क्या होगा। बिशप जॉन के पास आकर जॉन के फेस पर एक कट मारता है जिससे कि जॉन दर्द से बहुत ज्यादा चिल्लाती है। सीन यहीं पर कट होता है और कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर जॉन और जेफ घर में अप्रैल के मर्डर के बारे में बातें कर रहे थे। अप्रैल के बॉयफ्रेंड हॉवर्ड भी मिसिंग था और फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी भी नहीं आई थी। जॉन के मुताबिक तो ये एक मर्डर ही था और ओलंपिया अपने फ्रेंड से मिलने का बोल के जॉन और जेफ को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। ओलंपिया फिर पॉल के घर जाती है और पॉल और ओलंपिया अप्रैल के मर्डर के बारे में बातें कर रहे थे। ओलंपिया पहली बार पॉल के घर आई थी तो वो इसीलिए पॉल के रूम को देख रही थी। ओलंपिया को वहां पर ये पता चलता है कि पॉल की मॉम भी मर चुकी थी और बातें करते करते दोनों एक दूसरों के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों में फिर किस होती है। धीरे धीरे फिर पॉल ओलंपिया के कपड़े उतारने वाला था लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। उसकी बॉडी पर स्कार्स यानी कि निशान थे और इसीलिए वो कंफर्टेबल नहीं थी। पॉल भी उसे फिर अपनी बॉडी के स्कार के बारे में बताने लगता है। ओलंपिया पॉल को बाथरूम जाने को बोलती है और पॉल उसे वहां जाने का रास्ता बता देता है। ओलंपिया जब बाथरूम जाती है तो वहां पर पॉल के फादर थे जिसे देखकर ओलंपिया डर जाती है और वापस पॉल के पास आ जाती है। आने के बाद में वो उसे बाय बोलती है और वहां से चली जाती है। घर आने के बाद में ओलंपिया सेंड्रा को कॉल करती है। सेंड्रा के घर में उसके पेरेंट्स नहीं थे तो उसने अपने बॉयफ्रेंड ब्रेंड को अपने घर पर बुला लिया था। दोनों थोड़ी देर फोन पर बात करते हैं जिसके बाद में वो फोन कट कर देती है। सेंड्रा यहाँ पर अपने घर को साफ कर रही थी और ब्रायन अप्रैल के मर्डर और हॉवर्ड के मिसिंग होने की बातें कर रहा था। ब्रायन बार बार ये बातें कर रहा था तो सेंड्रा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ब्रायन उठकर फिर अंदर कमरे में चला जाता है और सेंड्रा बाहर कचरा फेंकने जाती है। बाहर उसे किसी के होने का एहसास होता है तो वो ब्रायन समझकर उसे पुकारती है। वो उसे देखने जाती है लेकिन वहाँ पर एक जानवर था जिससे कि वो डर के मारे फिर से घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर आने पर वो ब्रायन को पुकारने लगती है लेकिन अब भी उसे कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी वो देखती है कि एक रूम के अंदर ब्रायन खून से लथपथ तड़प रहा था और अचानक कोई पीछे से आकर सेंड्रा को भी पकड़ लेता है। सीन यहीं पर कट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन को अपना स्कार देखते हुए उसी दिन के फ्लैशबैक फिर से याद आने लगते हैं जहाँ पर किलर सुजेन के घाव पर एल्कोहल लगा रहा था जिसकी वजह से सुजेन दर्द के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब फिर वो जॉन के पास आकर उसके पेट पे स्टेपलर लगा देता है। जॉन फिर से चिल्लाने लगती है और फिर वो किलर बिशप सुजेन के पास आकर उससे कहता है कि अगर तुम जॉन को मारने को कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुजेन ऐसा नहीं करती और तब किलर एक सर्जिकल नाइफ सुजेन के मुंह में घुसा देता है और वो उसके मुंह के अंदर का मांस और उसकी जीवान काटने लगता है। जॉन बिशप को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और सुजेन की जीभ का टुकड़ा बिशप के हाथ पर आ जाता है और उसके मुंह से अब खूनी खून टपक रहा था। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर ओलंपिया सेंड्रा के घर आई हुई थी। वो डोर पर नॉक करती है लेकिन अंदर से कोई निकल कर नहीं आता। वो अंदर जाती है पर अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वो सेंड्रा को आवाज लगाती है जिसके बाद में वो ऊपर रूम की तरफ जाती है। उसे ये लगता है कि ऊपर बेड पर सेंड्रा सोई हुई है। वो चादर हटाती है तो वहाँ पर हॉवर्ड की जख्मी लाश पड़ी हुई थी। वो ये भी देखती है कि हॉवर्ड के प्राइवेट पार्ट को किसी ने बुरी तरह से काट दिया है और ये देखकर ओलंपिया बहुत ज्यादा डर गई थी। अब फिर पुलिस स्टेशन में ओलंपिया को लाया जाता है उसकी पूछताछ करने के लिए जहाँ पर पॉल भी आ जाता है। ओलंपिया को कुछ और देर पुलिस स्टेशन में रखा जाता है और पॉल और जॉन को घर पर भेज दिया जाता है। रात को अब ओलंपिया और जॉन एक दूसरे से मर्डर के बारे में बातें करते हैं। जॉन ओलंपिया को भरोसा दिलाती है कि वो उसके साथ में कुछ बुरा नहीं होने देगी।
जॉन नहीं चाहती थी कि जो कुछ भी टीनेज की उम्र में उसके साथ में हुआ है वो ओलंपिया के साथ में भी हो। अब रात को सोते टाइम जॉन को किसी की आवाज़ आती है तो वो नींद से उठकर वहाँ पर देखने जाती है। देखते देखते वो आउट हाउस तक पहुँच जाती है लेकिन वहाँ पर बस एक हिरण ही था। तभी उसे दिखता है कि ऊपर से उसके कपड़े पर कुछ गिर रहा है। वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर ब्रायन की कटी हुई लाश थी और उसी का खून जॉन के कपड़ों पर गिर रहा था। ये देखकर जॉन इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसके साथ हुए टॉर्चर के फ्लैशबैक्स उसे फिर से आने लगते हैं। जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सुजैन की जीप काटने के बाद में वो दर्द के मारे होश में नहीं थी और किलर बिशॉप जॉन को ये कह रहा था कि उसे मारने को बोलो नहीं तो तुम्हारी भी हालत यही होगी। वो जॉन की भी जीप काटने ही वाला था और तभी जॉन डर से सुजैन को मारने को कहती है और रोते हुए किलर फिर सुजैन के पास जाकर उसका गला मरोड़कर सुजैन को मार डालता है। जॉन अपनी ही आंखों के सामने अपनी बेस्ट फ्रेंड सुजैन की भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब ये कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और सुबह पुलिस ब्रायन की लाश को अपने साथ ले जा रही थी और ये सब देखकर ओलंपिया को उल्टियां हो जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस ब्रायन के मर्डर के बारे में जॉन से पूछताछ कर रही थी। अब पूछताछ के बाद में जॉन उसी बिशप के घर पर आ जाती है तो उसे डोर खुला हुआ मिलता है। उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो चाकू लेकर वो देखने चली जाती है। वहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे जो कि बिशप के सामान को देखने आए हुए थे। किलर बिशप जिन सामानों और हथियारों से लोगों को मारता था और टॉर्चर करता था लोग वो सब देखने के लिए आए हुए थे जैसे कि बिशप कोई मर्डरर नहीं बल्कि एक हीरो हो। और इस बात से जॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जिससे कि जॉन का भाई जेफ उसे अपने घर पर ले आता है। अब रात को जॉन जब खाना बना रही थी तो गलती से उसका हाथ कट जाता है और अपने खून को देखकर अब जॉन को फिर से फ्लैशबैक आ जाती है लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभाल लेती है। रात होने पर जॉन को बिशप की चीजों के म्यूजियम की तरफ जाती है और घर के अंदर घुस के वो एक रूम की तरफ जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि ओलंपिया को बिशप टॉर्चर कर रहा था लेकिन ये बस उसका एक बुरा सपना था। फिर अचानक एक फोन आता है जिससे कि जॉन की नींद खुल जाती है और ये किसी ऑफिसर का कॉल था। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो जेफ को कॉल हो लेकिन वो एक बार घर पर जेफ को ही आवाज लगाती है लेकिन वो ये देखती है कि बाथरूम के अंदर किसी ने जेफ का गला काटकर उसे मार डाला है। अब जॉन को फिर से किसी की आवाज आती है और वो चाकू लेकर देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि ओलंपिया अपने रूम में नहीं है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर गार्ड को भी किसी ने मार डाला था। उसे रास्ते में कुछ दूर पर कोई दिखाई देता है और वो आदमी भागता हुआ आता है तो जॉन उसके पीछे भागती है लेकिन पुलिस आकर जॉन को ही पकड़ लेती है क्योंकि वो खून से सनी हुई थी और उसके हाथ में चाकू भी था। उसके हाथ में चाकू को देख पुलिस जॉन को चाकू रखने को कहती है लेकिन जॉन पुलिस को बार बार कहती है कि कातिल वो नहीं है बल्कि वो है जो कि भाग रहा था। उन्हें उसे छोड़कर उस कातिल को पकड़ना चाहिए लेकिन पुलिस जॉन की बातें नहीं सुन रही थी। वो जॉन को खूनी मानकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस स्टेशन में जॉन बार बार ओलंपिया को ढूंढने को कहती है। उसके मुताबिक ओलंपिया और सैंड्रा को किलर टॉर्चर कर रहा होगा लेकिन कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता है। जॉन को जेल में डाल दिया जाता है और तभी वहां पर पॉल आता है और उसे भी यही लगता है कि ओलंपिया को जॉन ने ही गायब किया है। जॉन उसे समझाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और तब पॉल उसकी बातों पर बिलीव कर लेता है और वो जॉन को उस ताले की चाबी चुपके से दे देता है जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है। फिर जॉन वहीं पर बैठे एक ऑफिसर से कंबल मांगती है जो कि उसी पर नजर रखे हुए था। ऑफिसर जॉन को कंबल देने आता है तो वो ऑफिसर को बेहोश करके उसकी गन लेके पुलिस स्टेशन से भागकर बिशप के घर पर आ जाती है। बिशप के घर आने के बाद में वो खिड़की को तोड़कर वहां पर अंदर घुसती है और अंदर वही सर्जरी रूम में जाती है जहां पर उसे कुछ साल पहले टॉर्चर किया गया था। वहां पर उस म्यूजियम के ओनर की लाश पड़ी हुई थी जिसे किसी ने बुरी तरह से मार दिया था और ये सब देखकर जॉन को फिर से फ्लैशबैक आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जब सुजैन मर चुकी थी तो जॉन खुद को बचाने के लिए धीरे धीरे अपने हाथ की रस्सी को एक ब्लेड से काट लिया था और बिशप का ध्यान उस पर नहीं था। जॉन फिर खुद को आजाद करने के बाद में चुपके से एक कांच की बोतल को अपने हाथ में लेती है और बिशप के सिर पर मार देती है। वो एक कांच के टुकड़े को बिशप को मारने वाली थी लेकिन बिशप उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जॉन का गला दबाने लगता है। जॉन फिर उसी वैक्यूम क्लीनर को बिशप के पेट में घुसाती है और बिशप के पेट का सारा मांस गलकर एक बोतल में चला जाता है। बिशप दर्द के मारे चिल्लाता है और तभी बिशप वहीं पर मारा जाता है और इसी तरह जॉन वहां से बचकर भाग निकलती है। अब प्रेजेंट टाइम में वो पूरे घर में बिशप को ढूंढ रही थी और उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उसका पीछा करके जंगल की तरफ जाती है और भागते भागते जॉन एक घर की तरफ आ जाती है तो वहां पर उसे एक बेसमेंट के अंदर जाने का डोर दिखाई देता है
जिससे कि वो नीचे जाती है तो वहां पर उसे ओलंपिया, पॉल और सेंट्रा मिलते हैं। जॉन ओलंपिया को खोलने ही वाली थी कि तो तभी पॉल पीछे से उठकर जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। अब पॉल ने जॉन को भी बांध दिया था। अब फिर होश में आने के बाद में जॉन पॉल से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। पॉल बिशप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और उसे बिशप की थ्योरी बहुत ज्यादा पसंद थी कि खुद को बचाने के लिए कोई अपने को कैसे मार देता है। पॉल भी यही सब देखना चाहता था और बिशप की तरह उसे भी बहुत मजा आता था लोगों को टॉर्चर करने में। पॉल कहता है कि सेंटर ने भी खुद को बचाने के लिए ब्रायन को मार दिया था, पर सेंटर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। पॉल ने उसकी बॉडी को हर तरफ से जख्मी कर दिया था और फिर वो जॉन के पास आके एक कांच की बोतल तोड़कर फिर से उसके फेस पर कट लगा देता है, जिस तरह से बिशप ने उसके चेहरे पर कट लगाया था। वो फिर ओलंपिया के पास आता है और कहता है कि वो उसे सेंट्रा को मारने के लिए बोले, नहीं तो वो उसे ही मार देगा। ओलंपिया ऐसा नहीं बोलती और तब पॉल एक ब्लेड से ओलंपिया के पैर पर कट लगाता है। जॉन भी ये सारी चीजें देख रही थी लेकिन हाथ बंदे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाती। ओलंपिया के पैरों पर पॉल कट पर कट लगा रहा था और फिर वो सेंट्रा के पास आकर बोलता है कि वो ओलंपिया को मारने के लिए बोले, लेकिन सेंड्रा उसे ऐसा नहीं बोलती और फिर वो उसी ब्लेड को सेंड्रा के सर पर कट मारने लगता है। सेंड्रा भी अब दर्द के मारे चिल्लाती है और फिर वो उसके बालों को उखाड़ने लगता है। पॉल फिर अब ओलंपिया के पास आके फिर से सेंड्रा को मारने के लिए कहता है लेकिन जॉन और सेंड्रा उसे ऐसा बोलने के लिए मना कर रही थी क्योंकि पॉल यही चाहता था कि अपने ही किसी अपने को मारे खुद को बचाने के लिए। ओलंपिया नहीं बोलती है तो पॉल ओलंपिया के सर पर एक कट मारता है जिससे कि वो दर्द सहन नहीं कर पाती और वो सेंड्रा को मारने के लिए कह देती है। ये सब सुनकर सेंड्रा बहुत ज्यादा रोती है कि उसकी फ्रेंड ओलंपिया ने उसे मारने के लिए बोल दिया। अब फिर पॉल एक सुपर ग्लू को सेंड्रा के मुंह में डालता है और उसके मुंह पर एक कपड़े को चिपका देता है जिससे कि उसे अब सांस नहीं मिल पा रही थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेंड्रा वहीं पर मारी जाती है। पॉल फिर जॉन के पास आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो ऐसा जॉन के साथ में बार बार करता है। जॉन अपनी भतीजी ओलंपिया को बचाने के लिए खुद ये दर्द सहन कर रही थी। पॉल फिर ओलंपिया के पास आके अपनी आंट जॉन को मारने के लिए बोलता है लेकिन ओलंपिया ऐसा नहीं बोलती। ओलंपिया की बेली पर लगी हुई रिंग को एक चाकू से उखाड़ देता है जिससे कि ओलंपिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब फिर जब पॉल की नजर जब दूसरी तरफ थी तो जॉन एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ की एक उंगली काटकर उसे अलग कर देती है जिससे कि उसका हाथ हथकड़ी से आसानी से निकल जाता है। पॉल अब ओलंपिया के मुंह में एक चाकू डालने वाला था और उसके दांत उखाड़ने ही वाला था कि तभी जॉन पॉल को गोली मार देती है और फिर जॉन ओलंपिया को आजाद कर रही थी कि तभी पॉल उसके पैर पर कट मार देता है। पॉल फिर अब जॉन के ऊपर चढ़ के उसे चाकू मारने वाला था कि तभी ओलंपिया पीछे से आकर एक चेनसो से उसके सर के टुकड़े कर देती है। पॉल दर्द के मारे चिल्लाता हुआ वहीं पर मारा जाता है और जॉन और ओलंपिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब सीन यहीं पर कट होता है और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जॉन और ओलंपिया हॉस्पिटल में आपस में बातें कर रहे थे। तभी ओलंपिया के गले को किसी ने पीछे से पकड़ लिया था और हम देखते हैं कि ये बस ओलंपिया का एक बुरा सपना था। जिस तरह से ओलंपिया की आंट जॉन को पूरी जिंदगी भर अपने टॉर्चर की यादें ताजा रहती है, उसी तरह अब ओलंपिया को इस हादसे के बारे में जिंदगी भर याद रहेगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।